हेलो गाइस, दिस इज सतीश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो फॉर क्वेश्चन यूनिक लेंथ थ्री पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंसेस। ओके, सो इट इज़ फ्रॉम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 249। ओके, एंड बिफोर दिस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल आपको सीपी एडिटोरियल्स प्लस डीएसएल रिलेटेड कंटेंट। ओके, सो व्हाट वी वर हैविंग इन दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू काउंट ऑल यूनिक पैलिंड्रोम्स ऑफ थ्री लेंथ। ओके, so unique palindromes of length 3, so let me just open this. It will be like something, some character A. okay, it can be from A to Z, any character, and then you will be having some different character, that is X. okay, and it can also be from A to Z, any character, and then again you will have A. okay, so this and first and third character will be same, and second character can be any character, it can be same or cannot be same. Okay, now we have to count all palindromes. Okay, and one more condition is unique palindromes. Fine, so for counting all the palindromes you will easily get solution Google. Okay, just Google it. What we can do is total number of characters we have is 26. Okay, so suppose right now I am in some index I. okay, suppose I am here, and I will count that if this I is, suppose this is my palindrome of length 3, if this I is some character B. okay, if this I correspond to some character B, then how many palindromes we can make using these characters and using these characters. Okay, so I am explaining you in Hindi now. ab main kya karunga ki main is I ko abhi maan lunga ki ye mera jo I hai wo character B hai. ओके, तो अब मेरा कितने नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स यहाँ से और यहाँ से बन सकते हैं, तो मैं ये चेक करना है. ठीक है, और व्हाट एल्स यू कैन डू इज सपोज तुम किसी इंडेक्स आई पे हो करेंटली. ओके, अब तुम्हें सिंपली चेक करना है कि ये जो आई है, मान लो कोई कैरेक्टर होगा एस ऑफ आई. ठीक है, तुमने उसको क्या किया, इसको बी मान लिया. अब तुम्हें ये चेक करना है कि इसके लेफ्ट और राइट में कितने पैलिंड्रोम्स बन सकते हैं. ठीक है, तो वो टोटल मैक्सिमम पैलिंड्रोम्स कितने हो सकते हैं, 26 ऑब्वियसली. ओके, या तो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए होगा, या तो यहाँ पे स्मॉल बी होगा, या तो यहाँ पे स्मॉल सी होगा. ओके, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स कितने बन सकते हैं, 26. तो बस तुम्हें क्या करना है, अब वो सारे के सारे 26 पैलिंड्रोम्स चेक करने हैं कि पॉसिबल हैं या नहीं. ओके, तुम वो कैसे कर सकते हो, पहला लूप तो तुम अपनी ऑब्वियसली एरे में इटरेट करोगे, और आईएथ इंडेक्स कोई तुम वेरिएबल लो. ठीक है, अब इस करंट इंडेक्स के लिए तुम्हें टोटल पैलिंड्रोम्स चेक करने हैं. ओके, तो वो तुम कैसे कर सकते हो, एक इनर लूप लो, जे इज इक्वल्स टू ए से ऑब्वियसली, जे इज इक्वल्स टू जेड तक. फाइन, नाउ तुम्हें सिंपली क्या चेक करना है कि ये मान लो अगर आईएथ इंडेक्स है, तो तुम्हारे पास आई माइनस वनएथ इंडेक्स तक कोई भी जे है या नहीं है. सिंपली तुम्हें प्रेजेंस ऑफ जेथ कैरेक्टर चेक करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू चेक प्रेजेंस ऑफ जेथ कैरेक्टर इन लेंथ आई माइनस वन एंड इन लेंथ फ्रॉम आई माइनस वन टू इंडेक्स एन. ओके, एंड इफ जेथ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ आईथ इंडेक्स एंड राइट साइड ऑफ आईथ इंडेक्स, देन सिंपली वी कैन से that we can make a subsequence j s of I and j as a palindrome. Okay, now we know that how we can find total three lengths palindrome. Okay, now only task remaining is we have to count unique palindromes. Okay, तो इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया क्वेश्चन ने. ठीक है, यूनिक पैलिंड्रोम्स उसमें पता नहीं क्यों टीएलई आ रहा था, लाइक
I was doing everything fine from myself, from my side. Still, it was giving TLE. I don't know why. Okay. So let me tell you how you can do that. अब मान लो तुम्हारी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी लेंथ 3 है, एंड सपोज सम स्ट्रिंग ए बी ए. ओके, तुम्हें यूनिक पैलिंड्रोम्स काउंट करने हैं. ओके, सो यू कैन स्टोर इधर दिस पार्ट और दिस पार्ट इन द स्ट्रिंग, और फॉर यूनिक एलिमेंट्स व्हाट वी सिंपली टेक इन सी प्लस प्लस और इन एनी लैंग्वेज लाइक सेट. ओके, तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं. फाइन, सेट में हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, सपोज मैंने आईथ इंडेक्स के लिए क्या चेक किया, जेथ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ द एरे और राइट साइड ऑफ द एरे. ओके, इफ करेंट जेथ कैरेक्टर, जहाँ पे जे जो होगा वो 0 से 26 होगा. फाइन, इफ मेरा कोई पैलिंड्रोम बन रहा है जे एस ऑफ आई एंड जे. ओके, सो वॉट आई विल सिंपली डू इज आई विल इंसर्ट सम स्ट्रिंग जे एंड एस ऑफ आई इन माई सेट. फाइन, और अगर मेरी ये स्ट्रिंग ऑलरेडी है मेरे सेट में, तब तो मैं अपने आंसर को 1 से इंक्रीज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये जो पैलिंड्रोम है जे एस ऑफ आई जे ऑलरेडी बन चुका है. और अगर नहीं बना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को 1 से इंक्रीज कर दूंगा. ओके, तो इन दिस वे यू कैन काउंट यूनिक पैलिंड्रोम. वन मोर थिंग दैट मैं जब क्या कर रहा था, मैं सेट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा था तो वो टीएलई आ रहा था, ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट आई हैव डन इज मैंने इन जो जे एस ऑफ आई थी उसकी क्या निकाल ली थी मैंने, आई हैव सिंपली टेकन आउट इट्स हैश वैल्यू. सॉरी, मैंने क्या किया, इसकी हैश वैल्यू निकाल ली. हैश वैल्यू यू कैन सिंपली टेक आउट लाइक यू हैव सम स्ट्रिंग जे एंड एस ऑफ आई. ओके, सो सिंपली टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्मॉल अल्फाबेट आर 26. फॉर सेफर साइड यू कैन टेक इट एज 27. सो व्हाट आई हैव डन इज जे मल्टीप्लाई 27 प्लस एस ऑफ आई माइनस. So this was my hash value. You can just take it out as in any way, ठीक है, अपना हैश फंक्शन बनाओ, बस सेफर साइड उसकी चेक कर लेना. ओके, कि उसमें कोलिजन ना हो एक भी. तो सेफर साइड के लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेना, क्योंकि टेस्ट केस वॉज गुड इन दिस क्वेश्चन. फाइन, एंड जब ये हो जाएगा तो तुम अपना सेट है जो सेट में इंटीजर टाइप सेट लेना, और जितने भी वैल्यूज तुम्हें जे एस ऑफ आई जे जितने भी पैलिंड्रोम्स मिल रहे हैं वो सेट में सारे इंसर्ट कर देना, ठीक है. एंड एट द एंड सेट का जो साइज होगा दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो लेट मी शो यू माई कोड. एंड आई डोंट नो, अगर कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट केस ऐड किए जाते हैं तो आई डोंट नो इफ इट विल पास और फेल. ओके, सॉरी. तो मैंने दो, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स एरे बनाई, ठीक है. प्रीफिक्स एरे में मेरे पास क्या है, इन प्रीफिक्स एरे व्हाट आई हैव इज कि आई लेंथ की मैंने किस प्रीफिक्स एरे कितनी लेंथ की बनाई है, 26 इनटू एन प्लस 1. ओके, सो अब मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, दैट जे कॉलम तक मेरे पास कौन कौन से 0 से 26 तक कौन कौन से अल्फाबेट्स प्रेजेंट है. ओके, सो इसमें मैंने क्या किया, प्रीफिक्स एरे प्री बिल्ड कर ली, इसमें सफिक्स एरे प्री बिल्ड कर ली, ठीक है. सफिक्स एरे दैट आई माइनस आई प्लस 1 से एन स्ट्रिंग में कौन कौन से प्रेजेंट है. ओके, मैंने वहाँ पे यहाँ पे वो बना ली, ठीक है. फिर मैंने एक सेट ले लिया टेम्परेरी, जिसका मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिया है. तुम एक बार स्ट्रिंग से करके देखना क्यों टीएलई आ रहा है, यू कैन कॉमेंट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन. फिर मैंने यहाँ पे हैश वैल्यू निकाली, जे प्लस 1 एस ऑफ आई माइनस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 27. ओके, एंड देन आई हैव ऑलरेडी चेक कि अगर मेरा आई माइनस 1 इंडेक्स तक करेंट जे कैरेक्टर प्रेजेंट है, एंड सफिक्स एरे में जे कैरेक्टर आई प्लस 1 लेंथ से आगे प्रेजेंट है,
तो मैंने टेम्परेरी में इंसर्ट करवा दिया एंड रिटर्न आंसर, ओके दैट इज सेट ऑफ सेट साइज. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. एंड दिस क्वेश्चन वॉज हैविंग वेरी गुड कंस्ट्रेंट्स एंड टेस्ट केसेस. ओके तो मे बी इसमें काफ़ी, पता नहीं इतने सबमिशन कैसे हैं, आई डोंट नो, लाइक सब मे बी देयर वॉज सम इजियर सॉल्यूशन. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो.